हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। दोस्तों, इसके पहले मैं लक्ष्मी वैश्यारी शिक्षक संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल YMCA एंड नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बता चुकी हूँ। इन सब के बारे में आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए, सभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का बात करते हैं, आज के टॉपिक पे IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में यानी भारतीय ओलंपिक संघ। दोस्तों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों का आयोजन IOC करवाता है, सबका संचालन IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करता है। जैसे कि IOC के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, आप ओलंपिक अभियान के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में सब कुछ बताई हूँ, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप IOC के बारे में जानने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए। तो उसी तरह भारतीय, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IOC होता है ओलंपिक कार्यों को देख रेख के लिए, उसी तरह हर एक देश में अपना एक ओलंपिक संघ होता है, ठीक है। तो उसी तरह भारत में भारत का ओलंपिक संघ है भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसको साथ में कहेंगे IOA, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1927 में सर दोराबजी टाटा के प्रयासों से व वित्तीय सहयोग से हुआ, ठीक है। और डॉक्टर एजी नोहरान तथा हेरी क्रोबक द्वारा इसका गठन किया गया, यानी दोराबजी टाटा के प्रयासों और वित्तीय सहयोग से एजी नोहरान और एससी बक ने इसका गठन किया, ठीक है। तो IOA की स्थापना कब हुआ था, 1927 में, ठीक है। IO की पृष्ठभूमि और हम देखेंगे 1927 में IOA की स्थापना तो हुआ था दोराबजी टाटा के प्रयासों और वित्तीय सहयोग से, और डॉक्टर एजी नोहरान क्रोबक ने इसका गठन किया, ठीक है। दोराबजी टाटा के सहयोग से ये स्थापना हुआ। तो 1927 में इसकी स्थापना हुआ, तो 1927 में स्थापना के लिए किन किन दौरों का सामना करना पड़ा, उसके पहले क्या क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे कि IOA की पृष्ठभूमि यानी IOA की स्थापना के बारे में पृष्ठभूमि तैयार करना स्टार्ट हो गया था 1920 से, ठीक है। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक व 1924 के पेरिस ओलंपिक के प्रतिभाग से शुरू हुआ था, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1920 में भारत की तरफ से ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर भाग लिया प्रथम बार, और 1924 में पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से ओलंपिक में दूसरी बार अनधिकारिक तौर पर भाग लिया, और 1928 में पहली बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में भारत ने भाग लिया। तो इसकी शुरुआत जो है IOA की स्थापना के लिए सोच की शुरुआत या संगठन की शुरुआत 1920 और 1924 के भारत की तरफ से प्रतिभाग के समय से शुरू हुआ। तो सबसे पहले जानेंगे कि 1920 में भारत ने प्रतिभाग किया था एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में, ठीक है। और यानी कि प्रथम बार अनधिकारिक तौर पर भारत ने ओलंपिक में, यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ सकता है कि प्रथम बार अनधिकारिक तौर पर भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, ठीक है। तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में भारत ने प्रतिभाग किया, तो उस समय सर दोराबजी टाटा व मुंबई के गवर्नर जॉर्ज लायट के सहयोग से भारत ने प्रतिभाग किया था, ठीक है। सर दोराबजी टाटा और मुंबई के गवर्नर जॉर्ज लायट के सहयोग से भारत ने ओलंपिक में 1920 में प्रतिभाग किया था, और भारतीय टीम के मैनेजर उस समय 1920 में जब भाग लिया था तो सौरभ भूत व फाइजी थे भारतीय टीम के मैनेजर। और 1920 के एनुअल ओलंपिक में जब भारत ने पहली बार अनधिकारिक तौर पर भाग लिया था, तो उसमें
छह खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। कितने? छह, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से चार धावक थे और दो कुश्ती के पहलवान थे। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार का ही कई ओल्ड पेपर में देखे हैं कि पूछा गया है कि 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में अनधिकारिक तौर पर भाग लिया तो उसमें कितने भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। तो कितने? छह खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, उसमें से चार धावक थे, दो कुश्ती के पहलवान थे, ठीक है। और भारतीय दल के प्रतिभाग के दौरान दोराबजी टाटा की सलाह पर अनौपचारिक आईओए का गठन किया गया, ठीक है। तो उसी समय आईओए की गठन की प्रक्रिया चालू हो गया, ठीक है। तो दोराबजी टाटा ने भी सोचा कि भारत का एक अलग ओलंपिक संघ हो। तो उसी समय से जब भारतीय दल ने 1920 में प्रतिभाग किया उसके दौरान दोराबजी टाटा की सलाह पर आईओए अनौपचारिक तरीके से आईओए का गठन किया गया। कब? अनौपचारिक तरीके से आईओए का गठन कब किया गया? 1920 में, जिसमें डॉक्टर एजी नोहरान के साथ एएस भागवत को सचिव बनाया गया और टाटा को अध्यक्ष बनाया गया। एजी नोहरान के साथ एएस भागवत को सचिव बनाया गया। प्रथम बार अनधिकारी तौर पर आईओए का गठन किया गया तब, ठीक है, और टाटा को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो ये हुआ 1920 की बात ओलंपिक की। अब आते हैं इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो इसी समिति द्वारा जो अनधिकारिक तौर पर आईओए का गठन किया गया 1920 में, तो इसी समिति द्वारा फरवरी 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेल आयोजित कराए गए, मतलब भारत के ही तरफ से, भारत में ही अखिल भारतीय ओलंपिक खेल आयोजित कराए गए फरवरी 1924 में, ठीक है। ये फरवरी 1924 की बात है, ठीक है। तो फरवरी 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेल आयोजित कराए गए और इस खेल प्रतियोगिता में 8 खिलाड़ी का चयन किया गया, जिस जो अखिल भारतीय ओलंपिक खेल आयोजित कराए गए 1924 फरवरी में, उसमें 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया, ठीक है, जिसमें से 7 धावक थे और एक टेनिस प्लेयर थे, ठीक है। और क्या हुआ कि इन्हीं 8 खिलाड़ियों का जिनका चयन हुआ था भारतीय अखिल भारतीय ओलंपिक खेल आयोजित जब कराए गए थे, तो उसमें 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, 7 धावक और एक टेनिस प्लेयर को, तो वही 8 धावक जो है चयनित खिलाड़ी, 8 चयनित खिलाड़ियों ने 1924 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया, ठीक है। यहाँ पे विशेष हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो 1924 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया कौन? यही 8 चयनित खिलाड़ी जो अखिल भारतीय खेल ओलंपिक आयोजित किया गया था, उसमें से जो 8 चयनित खिलाड़ी थे वही 1924 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। अब बात आती है कि भारत जो है दूसरी बार अनधिकारिक तौर पर भाग लिया 1924 के पेरिस ओलंपिक में। पहली बार तो 1920 में लिया और दूसरी बार अनधिकारिक तौर पर भारत ने प्रतिभाग किया ओलंपिक में 1924 के पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। तो इसमें भारतीय दल के मैनेजर थे हैरी क्रोबक, ठीक है, जिसे भारत में शारीरिक शिक्षा का पिता भी कहा जाता है। और इस ओलंपिक प्रतियोगिता ने भारत में खेलों के विकास और संस्थागत कारण को प्रोत्साहन दिया। तो इस यही ओलंपिक से भारत में खेलों का विकास और संस्थागत कारण को प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया, ठीक है, और जिसके कारण 1927 में आईओए का गठन हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार हम समझे कि आईओए का गठन 1927 में कैसे हुआ, ठीक है। तो इस तरह पॉइंट में आपका 4 से 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि आईओए का गठन कब हुआ, तो 1927 में सर दोराबजी टाटा के प्रयासों से एजी नोहरान हैरी क्रोबक ने गठन किया। और भारत ने पहली बार अनधिकारिक तौर पर ओलंपिक में कब प्रतिभाग किया, तो 1920 में। और 1920 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया भारत की तरफ से, तो 6 खिलाड़ियों ने, जिसमें से 4 धावक, 2 कुश्ती के खिलाड़ी पहलवान थे। और दूसरी बार अनधिकारिक तौर पर भारत ने कब प्रतिभाग किया, तो 1924 के पेरिस ओलंपिक में। और उसमें कितने खिलाड़ियों ने भारत की तरफ से प्रतिभाग किया, तो 8 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, इसमें 7 धावक, 1 टेनिस प्लेयर थे, ठीक है। और इस प्रकार 1927 में आईओए का गठन
हुआ। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि आईओए का गठन तो हुआ, लेकिन आईओए का स्वरूप कैसा है। ठीक है, तो आईओए के स्वरूप के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईओए का जो चुनाव होता है, यानी आईओए में जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लोग, उन सब का चुनाव जो है 4 वर्ष में एक बार किया जाता है, वो भी आम सभा की वार्षिक बैठक में, जिसमें परिषद सदस्यों को भी चुना जाता है। जैसे कि इसमें जैसे एक उपाध्यक्ष, दो नहीं, जैसे कि एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक महासचिव, 6 संयुक्त सचिव, एक कोषाध्यक्ष एंड राज्य ओलंपिक संघों के प्रतिनिधियों में से 7 सदस्यों का चुनाव एंड राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों, संघों, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के प्रतिनिधियों में से 12 सदस्यों का चुनाव। तो ये है हमारे आईओए का स्वरूप। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आईओए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष जो है आईओए के, प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। ठीक है, अब प्रथम सचिव कौन थे, डॉक्टर ए जी नोहरान। प्रथम महासचिव कौन थे, डॉक्टर जी डी सोंधी। ठीक है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा, प्रथम सचिव ए जी नोहरान, प्रथम महासचिव जी डी सोंधी। ठीक है, और इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ए जी नोहरान जो है ने सचिव पद से जब त्याग दिया, तो जी डी सोंधी को सचिव बनाया गया। जी डी सोंधी हो मोई मोई नु मोइनुल मोइनुल हक को महासचिव बनाया गया। ठीक है, एंड 1928 में आईओए के अध्यक्ष टाटा ने भी त्याग पत्र दे दिया। उनके त्याग पत्र के बाद महाराजा भूपेंद्र सिंह को आईओए का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब इतना तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब बात आती है कि भारत पहली बार आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में कब भाग किया, प्रतिभाग किया, तो 1928 में। ठीक है, देखिए 3 पॉइंट आता है कि भारत ने पहली बार अनआधिकारिक तौर पर ओलंपिक में कब प्रतिभाग किया, तो 1920 में, जिसमें 6 खिलाड़ी ने प्रतिभाग किया था, 4 धावक, 2 कुश्ती के खिलाड़ी। और दूसरी बार अनआधिकारिक तौर पर कब प्रतिभाग किया था ओलंपिक में, तो 1924 के पेरिस ओलंपिक में, और उसमें 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से 7 धावक, 1 टेनिस प्लेयर थे। और पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया, तो 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक में। क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछता है डायरेक्ट कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया, तो 1928 में उसका आंसर होगा। और आधिकारिक और अनाधिकारिक तौर पर पूछेगा, तो आधिकारिक तौर पर 1928 में भाग लिया, और आधिकारिक तौर पर पहली बार 1920 में, और दूसरी बार 1924 में, और पहली बार आधिकारिक तौर पर 1928 के एमस्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार प्रतिभाग किया। इसमें भारतीय दल के 21 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, इसमें 7 धावक और 14 हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, और उसमें भारतीय हॉकी टीम जो है पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर प्रतिभाग करने गई थी ओलंपिक में। ठीक है, तो 1920 के जिसमें अनआधिकारिक तौर पर भारत ने प्रतिभाग किया था ओलंपिक में, उसमें 6 खिलाड़ी भाग लिए थे, 4 धावक 2 कुश्ती के खिलाड़ी। और दूसरी बार जो ओलंपिक में भारत ने अनआधिकारिक तौर पर प्रतिभाग किया था 1924 के पेरिस ओलंपिक में, उसमें 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 7 धावक 1 टेनिस प्लेयर। एंड 1928 में जब भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भाग लिया, उसमें 21 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 7 धावक 14 हॉकी के खिलाड़ी थे। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज की बात करूंगी, जैसे कि आईओए के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट। तो पहले अध्यक्ष कौन थे आईओए के, दोराबजी टाटा, जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ। एक कब तक रहे, इनका समय था 1927 से 28 तक, यानी जब आईओए की स्थापना हुआ 1927 में, वहां से
अट्ठाईस तक, 27 से 28 तक दुरावली तटा रहे, उसके बाद वो त्याग पत्र कर दिए, फिर उनके स्थान पर महाराजा भूपेंद्र सिंह 1928 से 38 तक रहे, ठीक है। उसके बाद 1938 से 60 तक यादविंदर सिंह रहे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अभी IOA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर नरेंद्र बत्रा है, जो 14 दिसंबर 2017 से अब तक कार्यरत है अध्यक्ष पद पर IOA के, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रथम अध्यक्ष दुराबजी टाटा थे और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है, बस इतना ही, ठीक है। IOA के सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव की बात हम करेंगे, महासचिव नहीं सचिव की बात करेंगे, ठीक है। IOA के सेक्रेटरी जनरल यानी कि सचिव की बात करेंगे, तो प्रथम सचिव जो है सेक्रेटरी जनरल जो है एजी नोहरान थे 1927 से 38 तक, और फिर उसके बाद गुरुदत्त संधि हुए उनके त्याग पत्र के बाद 1938 से 52 तक, ठीक है। और वर्तमान में कौन है, मिस्टर राजीव मेहता, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये 9 फरवरी 2014 से अब तक सचिव पद पर है, एक बार इसे आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था IOA के बारे में, आई होप कि आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसमें से सभी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आप ओल्ड पेपर उठा करके देख सकते हैं, 100% गारंटी है, और इसमें से जितने भी पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो जिसे आपके मन में डाउट हो उस टॉपिक के बारे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका डाउट क्लियर करने की 100% प्रयास करूंगी। तो दोस्तों ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।